आज कांग्रेस पार्टी गया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित कर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दो दिवसीय भारत के यात्रा पर आए हुए हैं, सबसे पहले भारत के अतिथि देवो भव सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस पार्टी भारत में उनका अभिनंदन और स्वागत। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भारत सरकार और खास करके नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि इनका ये यात्रा निजी यात्रा क्यों है, इनका जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम है वो गुजरात की एक आयोजन समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है जिस पर 100 करोड़ रुपया की लागत लग रही है, तो कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से ये पूछना चाहती है कि ये 100 करोड़ रुपया किस मंत्रालय से उस आयोजन समिति को। प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में जो राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर समारोह आयोजित किया जा रहा है, उस डिनर समारोह में कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, लेकिन मुक्त विपक्षी दल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को नहीं दिया है। शायद मोदी जी ये भूल रहे हैं कि अमेरिका में भी जो भी पार्टी की सरकार रहती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक का हो या दूसरे का हो, वो रिपब्लिकन का हो, वो दोनों आपस में मिल करके ही किसी भी दूसरे देश के लोगों का स्वागत और अब आयोजित प्रीति भोज। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है सरकार से कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन के पूर्व हजारों गरीबों का घर उजाड़ा गया और उन्हें छिपाने के लिए जो ऊंची दीवार खड़ी की गई, क्या उससे मोदी सरकार देश की गरीबी और बेरोजगारी को छिपा सकती है? यही सब बातों को लेकर के यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन यात्रा पर प्रकाश डाला गया। जय हिंद, जय कांग्रेस।